भाइयों बहनों, जब रोजगार और युवाओं को अवसरों की बात आती है तो हाल में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सामान्य श्रेणी के गरीब बच्चों को सरकारी सेवाओं के साथ साथ सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि आपने सबसे पहले इसको लागू किया है। अब तो केंद्र सरकार सहित अनेक राज्य सरकारों ने इसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों, जाति वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की मांग तो दशकों से चल रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल ये तीर फेंक दिया करते थे, लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती थी वो करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई है, हमें करके दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से ये जो व्यवस्था हमने की है ये बाकी किसी भी वर्गों के हक को छेड़े बिना की गई, यानी इससे सामाजिक समरसता के नए द्वार खुलेंगे। जो गीले शिकवे पहले रहते थे वो इससे दूर होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने ये फैसला भी किया है कि शिक्षण संस्थाओं में इस नए आरक्षण का लाभ इसी साल नए सेशन से मिलेगा। देश की 900 यूनिवर्सिटी और लगभग 40,000 कॉलेजों पर यह आरक्षण लागू हो जाए। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट, हर प्रकार के संस्थाओं में ये व्यवस्था लागू हो जाए। इसके लिए जल्द ही जरूरी आदेश जारी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था का मौजूदा सीटों पर असर ना पड़े इसके लिए संस्थानों में सीटों की संख्या भी 10% बढ़ाई जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश में अवसरों की समानता के प्रति प्रतिबद्ध है। नए भारत की शक्ति हमारी युवा शक्ति है। युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग तभी कर पाएगा जब उसको उपयुक्त अवसर मिलेंगे। अवसरों में भेदभाव से प्रतिभा पर असर पड़े ये बातें पुरानी कर दी है। समानता के लिए बीजेपी का समर्पण हमारे संस्कारों से, हमारे संघर्ष से जुड़ा है। हमें पता है कि गरीब का संघर्ष क्या होता है, और इसलिए हम पूरी निष्ठा के साथ समाज के हर क्षेत्र में समान अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, अवसरों के अभाव में कोई पीछे ना रहे। मध्यम वर्ग हो या गरीब, शहर हो या गांव, देश का कोई वर्ग, कोई भी कोना विकास से ना छूटे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यही सबका साथ सबका विकास है, और यही न्यू इंडिया के निर्माण के लिए हमारा रास्ता है। हम सभी को मिलकर इस रास्ते पर पूरी रफ्तार से चलना है।